हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो स्टार्ट करते हैं। ब्रोंकोडायलेशन प्रोड्यूस्ड बाय इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज ड्यू टू इट्स एक्शन एज निकोटिनिक एगोनिस्ट, निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, मस्कैरिनिक एगोनिस्ट, मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो ब्रोंकोडायलेशन प्रोड्यूस करता है, इट इज़ ड्यू टू इट्स एक्शन एज, किससे होता है? तो ये होता है ड्यू टू इट्स एक्शन एज मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट, ऑप्शन डी। होता क्या है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड? तो ये शॉर्ट एक्टिंग मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है ना, अस्थमा की ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव क्लास में आता है ये, एंड इट इज़ यूज एज इनहेलेशनल ड्रग इन अस्थमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निकोटिनिक रिसेप्टर इज ए जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, लिगैंड गेटेड आयन चैनल, न्यूक्लियर रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। क्या होता है निकोटिनिक रिसेप्टर? तो ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल होता है ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। और क्या आएगा लिगैंड गेटेड आयन चैनल में? तो 5HT3 रिसेप्टर्स, 5HT3 एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ये होते हैं लिगैंड गेटेड आयन चैनल। ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर में क्या आता है? तो इंसुलिन आता है ना टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर में। देन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पे और क्या पूछा जाता है? तो ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं ए बंडल ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स, ए बंडल ऑफ 7 अल्फा हेलिक्सेस होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। देन निकोटिनिक रिसेप्टर पे क्या पूछा जाता है? तो स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर क्या कॉज कराता है? तो स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर कॉजेस मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन कौन से स्टेरॉयड हार्मोन का होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर? विच स्टेरॉयड हार्मोन हैज ए न्यूक्लियर रिसेप्टर? तो ये होता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हैज ए न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से, ठीक है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरेंजेपाइन इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर, M4 रिसेप्टर। तो क्या होता है पायरेंजेपाइन? तो हमने देखा था ना M1 एंटागोनिस्ट यूज इन पेप्टिक अल्सर होता है पायरेंजेपाइन। ये होता है सिलेक्टिव M1 एंटीकोलिनर्जिक यूज फॉर पेप्टिक अल्सर। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइसोस्टिग्माइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एड्रिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग, एंटीकोलिनस्ट्रेस ड्रग। क्या होता है फाइसोस्टिग्माइन? तो क्या देखा था हमने फाइसोस्टिग्माइन के बारे में? तो ये कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर होता है, रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर होता है ना फाइसोस्टिग्माइन। कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर फाइसोस्टिग्माइन। देन एन एंटीकोलिनेस्ट्रेज डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज फाइसोस्टिग्माइन, इसका यूज करते हैं एज ए मायोटिक इन ग्लूकोमा। देन और किस में इसका यूज करते हैं? तो एट्रोपिन पॉइजनिंग में, बेलाडोना पॉइजनिंग में। तो क्या होता है ये एंटीकोलिनेस्ट्रेस ड्रग हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिडक्शन इन द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स इज रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ डिमेंशिया, इनमें से क्या डिक्रीज हो जाने से होता है डिमेंशिया? एनेंडामाइड, एसिटाइल कोलिन, नॉरिपिनेफ्रिन, डोपामाइन। रिडक्शन इन द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलेटेड टू द डिमेंशिया। तो डिमेंशिया होता क्या है? तो ये लॉस ऑफ मेमोरी होता है ना, किस में होता है ये? तो ये अल्जाइमर डिसीज में होता है। डिमेंशिया इज एसोसिएटेड विथ अल्जाइमर्स। एंड क्या देखा था हमने अल्जाइमर्स के बारे में? विच न्यूरोट्रांसमीटर इज अफेक्टेड इन अल्जाइमर्स डिसीज? तो ये एसिटाइल कोलिन होता है ना, ऑप्शन बी। एंड फर्स्ट सिम्टम ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज होता है मेमोरी लॉस, जो होता है डिमेंशिया। डिक्रीज एसिटाइल कोलिन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होता है अल्जाइमर्स डिसीज। देन किसका यूज करते हैं इसकी ट्रीटमेंट में? तो एक्रिडिन का यूज करते हैं ना, एक्रिडिन का यूज करते हैं, जो होता है टैक्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मास सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ सेरोटोनिन, केराटिन, फैटी एसिड्स, नन ऑफ दीज। किसके रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मास सेल्स? तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिलीज ऑफ सेरोटोनिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एट्रोपिन डज नॉट एंटागोनाइज द फॉलोइंग फीचर ऑफ एंटीकोलिनेस्ट्रेस पॉइजनिंग, हाइपोटेंशन, सेंट्रल एक्साइटेशन, मसल पैरालिसिस, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन।
एंटीकोलिनेस्टेस पॉइजनिंग के कौन से फीचर को एंटागोनाइज नहीं करता एट्रोपिन? तो ये हो जाएगा मसल पैरालिसिस, ऑप्शन सी। मसल पैरालिसिस इज नॉट एंटागोनाइज बाय एट्रोपिन। एट्रोपिन किस में आता है? तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नेचुरल एल्कलॉइड क्लास में आता है। मस्कारिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है ना। देन ड्रग यूज टू ट्रीट एवी ब्लॉक, एट्रोपिन। देन ड्रग यूज इन रेटिनोस्कोपी, एट्रोपिन। देन मशरूम पॉइजनिंग में किसका यूज करते हैं? एट्रोपिन का। ये होता है स्टिरोप्ट्रोपिन एंट्रोपिक एसिड। देन इसे यूज करते हैं प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेल्ड एनास्थेटिक्स टू रिड्यूस सिक्रेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिटाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम एसिटिलेज कोलिनेज एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज ट्रांसफरेज। एसिटाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम। किससे होता है हाइड्रोलाइज एसिटाइल कोलिन? तो इट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, ऑप्शन सी। एसिटाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। ठीक है, देन विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन? तो एट्रोपिन होता है ना एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज अफेक्टेड इन अल्जाइमर्स डिसीज? तो ये भी होता है एसिटाइल कोलिन। अल्जाइमर्स डिसीज इज ड्यू टू डिक्रीज एसिटाइल कोलिन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। देन और क्या पूछा जाता है एसिटाइल कोलिन पे? तो विच इज द प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? कौन सा होता है प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? तो ये भी होता है एसिटाइल कोलिन। देन विच इज द डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमायमेटिक हैज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? कौन से डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमायमेटिक ड्रग का होता है शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? तो ये भी होता है एसिटाइल कोलिन का। ठीक है, देन एसिटाइल कोलिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम विच प्रीकर्सर मॉलिक्यूल? कौन से प्रीकर्सर मॉलिक्यूल से सिंथेसाइज होता है एसिटाइल कोलिन? तो ये होता है कोलिन। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है एसिटाइल कोलिन पे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज क्लासिफाइड एज डेलिरियंट पॉइजन? इनमें से क्या होता है डेलिरियंट पॉइजन? निकोटिन, कैफीन, हायोसायमिन, लोगैनिन। तो डेलिरियंट पॉइजन होता है हायोसायमिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मस्कारिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आर सीन एट ऑल एक्सेप्ट? इनमें से किस में प्रेजेंट नहीं होते मस्कारिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एक्सेप्ट पूछा गया है? स्टमक, CNS, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ग्लैंड्स। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट नहीं होते मस्कारिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी स्टमक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं मस्कारिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्रोपिन इज ए मस्कारिनिक एगोनिस्ट, मस्कारिनिक एंटागोनिस्ट, निकोटिनिक एगोनिस्ट, निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। क्या होता है एट्रोपिन? तो एट्रोपिन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है ये? तो मस्कारिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग होता है ये, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के नेचुरल एल्कलॉइड क्लास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स? इनमें से कौन सा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स? दे हैव सम स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू एसिटाइल कोलिन। तो होती है क्या कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स की स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू एसिटाइल कोलिन? तो ये होती है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन दी एसाइल ग्रुप इन ड्रग्स इज स्मॉलर टू एसाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोलिन फॉर गुड एक्टिविटी? तो ये नहीं होगा, यही है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। दी एसाइल ग्रुप इन ड्रग्स इज स्मॉलर टू एसाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोलिन फॉर गुड एक्टिविटी। दिस इज नॉट करेक्ट फॉर कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स। ठीक है, देन प्रेजेंस ऑफ फ्री OH ग्रुप और कार्बामाइड ग्रुप इज इंपॉर्टेंट फॉर एच बॉन्डिंग टू रिसेप्टर, ये भी करेक्ट है। देन दी नाइट्रोजन इज द टर्शरी एटम विच शुड कंटेन अल्काइल ग्रुप नॉट लार्जर दैन ब्यूटाइल ग्रुप, ये भी करेक्ट है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन स्टमक द स्टिमुलेशन वैगल दैट इंक्रीजेज द गैस्ट्रिक एसिड ड्यू टू H2 रिसेप्टर, M1 रिसेप्टर, 5-HT1 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर। इन स्टमक द स्टिमुलेशन वैगल दैट इंक्रीजेज द गैस्ट्रिक एसिड ड्यू टू, किसके स्टिमुलेशन से इंक्रीज होता है गैस्ट्रिक एसिड?
तो ये होता है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ M1 रिसेप्टर, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। M1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन सा देखा था हमने, तो पायरेन्जेपाइन देखा था ना, पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉकेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बाय बोटुलिनम टॉक्सिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होता है ब्लॉकेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बाय बोटुलिनम टॉक्सिन। डीपोलराइजिंग ब्लॉक, कॉम्पिटिटिव ब्लॉक, प्री सैनेप्टिक ब्लॉक, पोस्ट सैनेप्टिक ब्लॉक। ब्लॉकेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बाय बोटुलिनम टॉक्सिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जो ब्लॉकेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन होता है बाय बोटुलिनम टॉक्सिन, ये होता है एग्जाम्पल ऑफ प्री साइनेप्टिक ब्लॉक। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम न्यूरॉन, इनमें से कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम न्यूरॉन? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है ना इसके लिए, ऑप्शन बी, कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी स्पेसिफिक एंटीडोट यूज फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग इज, तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, कौन से एंटीडोट का यूज करते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग में, तो क्या देखा था हमने, द एंटीकोलिनेस्ट्रेज डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्स होता है, रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर होता है, कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर होता है, इसका ग्लूकोमा में भी यूज करते हैं एज ए मायोटिक, क्या होता है किसके बारे में हमने देखा था, तो फाइसोस्टिग्माइन के बारे में देखा था ना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, इसका यूज करते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्केरिनिक कोलिनो रिसेप्टर्स आर नॉट फाउंड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल मसल एंड प्लेट हार्ट। मस्केरिनिक कोलिनो रिसेप्टर्स आर नॉट फाउंड इन, इनमें से किस में नहीं होते मस्केरिनिक कोलिनो रिसेप्टर्स, तो स्केलेटल मसल एंड प्लेट में नहीं होते ना ये, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट में प्रेजेंट होते मस्केरिनिक कोलिनो रिसेप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजनिंग विथ कार्बामेट इंसेक्टिसाइड इज बेस्ट मैनेज्ड बाय एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, प्रोप्रानोलॉल, फाइसोस्टिग्माइन। किसका यूज करते हैं कार्बामेट इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग में, तो किसमें आएगा कार्बामेट इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग, तो DDT पॉइजनिंग होता है ना ये, एंड इट इज बेस्ट मैनेज्ड बाय एट्रोपिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर फाउंड इन स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, हार्ट, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। किसमें होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, तो क्या होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, तो ये आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। और क्या देखा था हमने इसके बारे में, तो स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स कॉजेस मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग, हमने देखा था ना निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड 5-HT3 रिसेप्टर्स होते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल, एंड ये होते हैं स्केलेटल मसल्स में, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मस्केरिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, वैसोडाइलेशन, इंक्रीज इन टोन एंड एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल, इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, डिक्रीज इन हार्ट रेट। नॉट ए मस्केरिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, कौन सी एक्शन नहीं आएगी मस्केरिनिक एक्शन में एसिटाइल कोलिन के, तो वैसोडाइलेशन आएगा, इंक्रीज इन टोन एंड एक्टिविटी ये भी आएगा, इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, तो ये नहीं आएगा मस्केरिनिक एक्शन में एसिटाइल कोलिन के, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, डिक्रीज इन हार्ट रेट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी इन अल्जाइमर्स डिजीज इज ब्रॉट अबाउट बाय ड्रग्स विच इंक्रीज ट्रांसमिशन इन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स, गाबा रिसेप्टर्स, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी इन अल्जाइमर्स डिजीज इज ब्रॉट अबाउट बाय ड्रग्स विच इंक्रीज ट्रांसमिशन इन, तो हमने देखा था ना अल्जाइमर्स डिजीज में होता है डिमेंशिया, ये होता है मेमोरी लॉस, एंड अल्जाइमर्स डिजीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन एसिटाइल कोलिन, तो जो ड्रग इंक्रीज कराते हैं ट्रांसमिशन इन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स वो इम्प्रूव कराते हैं ना मेमोरी इन अल्जाइमर्स डिजीज, सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ड्रग्स कॉजेस साइड इफेक्ट्स लाइक ड्राइनेस ऑफ माउथ, टैकीकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्लूकोमा, ड्रॉजीनेस एंड इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निशन, कौन से क्लास के साइड इफेक्ट्स है ये,
ड्राइनेस ऑफ माउथ, टैकिकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ड्रॉजीनेस, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निशन, देन प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्लूकोमा एंड ब्लरिंग ऑफ विजन। तो ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं ना। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपेथेटिक सिस्टम कॉज कराती है ये सब, टैकिकार्डिया, देन यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, देन माइड्रियासिस, ब्रोंकोडाइलेशन, ये सब होता है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ सिंपेथेटिक सिस्टम। एंड कौन स्टिमुलेट कराता है सिंपेथेटिक सिस्टम? तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। देन स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिंपेथेटिक सिस्टम के इफेक्ट क्या होते हैं? तो इसका उल्टा होता है, माइड्रियासिस का मियोसिस होता है, देन यूरिनरी रिटेंशन का यूरिनरी अर्जेंसी हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन का डायरिया होता है, टैकिकार्डिया का ब्रैडीकार्डिया होता है, ब्रोंकोडायलेशन का ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, एंड ये कॉज कराते हैं एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्केरिन मिमिक्स द एक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सेरोटोनिन, एट्रोपिन, एसिटाइल कोलिन, नन ऑफ दीज। मस्केरिन मिमिक्स द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन को मिमिक कराते हैं मस्केरिनिक ड्रग? तो ये हो जाएगा एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन सी। मस्केरिन मिमिक्स द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन? प्रोफेनथेलिन, ऑक्सीफिनोनियम, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, फाइसोस्टिगमाइन एंड नियोस्टिगमाइन। तो बहुत बार अभी डिस्कस किया एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन, फाइसोस्टिगमाइन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीडोट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, किसका यूज करेंगे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में एज एन एंटीडोट? फाइसोस्टिगमाइन, पायरिडोस्टिगमाइन, प्रेलिडॉक्साइम, पिलोकार्पिन। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में यूज करते हैं प्रेलिडॉक्साइम का, ऑप्शन सी। फाइसोस्टिगमाइन का यूज करते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग में, पायरिडोस्टिगमाइन का यूज करते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस में, देन पिलोकार्पिन के बारे में क्या देखा था? तो ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है, इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ये टर्शरी अमाइन होता है ना, जिसका यूज करते हैं एज ए मायोटिक एजेंट, ये मायोटिक होता है। देन इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है? तो 4 to 6 hours होता है। ये पिलोकार्पिन रिड्यूस कराता है इंट्राओक्युलर टेंशन इन ओपन एंगल ग्लूकोमा। कैसे रिड्यूस कराता है ये इंट्राओक्युलर टेंशन? तो बाय इंक्रीजिंग टोन ऑफ सिलियरी मसल। ये पेनेट्रेट करता है कॉर्निया को एंड कॉज कराता है मियोसिस एंड सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये रैपिड एक्टिंग मायोटिक होता है। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है पिलोकार्पिन पे, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन इन स्केलेटल मसल्स? मस्केरिन, ट्यूबोक्यूरारिन, एट्रोपिन, कार्बाकोल। सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन इन स्केलेटल मसल्स। तो हमने स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के क्लासिफिकेशन में क्या देखा था? ट्यूबोक्यूरारिन क्या होता है? तो ये नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है ना, लॉन्ग एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है ट्यूबोक्यूरारिन, एंड यही होता है सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन इन स्केलेटल मसल्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में हमने देखा था ना ट्यूबोक्यूरारिन, नॉन डिपोलराइजिंग होता है, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द माइड्रिएटिक एक्शन? किसका यूज करते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट द माइड्रिएटिक एक्शन? क्लोराम्ब्यूसिल, एट्रोपिन सल्फेट एंड फ्लोरोयुरासिल प्रोकेन। ड्रग इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द माइड्रिएटिक एक्शन। तो माइड्रिएटिक एक्शन एट्रोपिन हो जाएगा ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोराम्ब्यूसिल क्या होता है? तो एंटी कैंसर ड्रग्स के अल्किलेटिंग एजेंट क्लास में आता है ना क्लोराम्ब्यूसिल, नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है। देन फ्लोरोयुरासिल तो पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस, एंटी कैंसर ड्रग्स के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है ये। देन प्रोकेन क्या है? तो इंजेक्टेबल लोकल एनास्थेटिक होता है ना, इसका शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इज ऑटो इम्यून डिसीज? कैंसर, अल्जाइमर डिसीज, कार्डियक हार्ट फेलियर, मायस्थीनिया ग्रेविस। ऑटो इम्यून डिसीज, तो ऑटो इम्यून डिसीज होता है मायस्थीनिया ग्रेविस, ऑप्शन डी। मायस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट में किसका यूज करते हैं? तो पायरिडोस्टिगमाइन का, देन नियोस्टिगमाइन का। देन कौन से डायग्नोस्टिक एजेंट का यूज करते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस में? तो ये होता है हाइड्रोफोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ड्रग यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। तो अभी हमने यहाँ पे देखा डायग्नोस्टिक एजेंट इन माइस्थेनिया ग्रेविस, इड्रोफोनियम होता है ना, ऑप्शन ए। ये होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर, इनडायरेक्टली एक्टिंग रिवर्सिबल कोलिनर्जिक ड्रग होता है इड्रोफोनियम, एंड इसका यूज करते हैं इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपेथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग अल्फा मिथाइल डोपा एक्ट्स एज, क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्फा मिथाइल डोपा, कैसे एक्ट करता है ये? बाय डिप्लेटिंग कैटेकोलामाइंस, बाय इंटरफेयरिंग विथ सिंथेसिस ऑफ एडिनर्जिक ट्रांसमीटर, बाय इंटरफेयरिंग विथ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस पोस्ट गैंग्लियोनिक एडिनर्जिक न्यूरॉन, बाय ब्लॉकिंग एडिनर्जिक रिसेप्टर्स। अल्फा मिथाइल डोपा एक्ट्स बाय, तो ये एक्ट करता है बाय इंटरफेयरिंग विथ सिंथेसिस ऑफ एडिनर्जिक ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किस में आता है मिथाइल डोपा? तो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है ना, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है मिथाइल डोपा। देन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट प्रेफर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिथाइल डोपा। देन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विच इज़ ए प्रोड्रग, तो ये भी होता है मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन द ब्रेन, जो होता है अल्फा मिथाइल नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग एनाफाइलेक्सिस कैन बी बेस्ट ट्रीटेड विथ साल्बुटामॉल, एड्रिनलिन, डाइफिनहाइड्रामाइन, नॉर एड्रिनलिन। इनमें से किसका यूज करेंगे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग एनाफाइलेक्सिस में? तो एड्रिनलिन का यूज करेंगे, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग एनाफाइलेक्सिस कैन बी बेस्ट ट्रीटेड विथ एड्रिनलिन। देन और किस में यूज करते हैं एड्रिनलिन का? तो ये होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। इंट्रामस्कुलर एड्रिनलिन दिया जाता है 0.5 mg एनाफाइलेक्टिक शॉक में। देन विच हार्मोन इज यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा एज ब्रोंकोडायलेटर? तो ये भी होता है एड्रिनलिन। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग एनाफाइलेक्सिस कैन बी बेस्ट ट्रीटेड विथ एड्रिनलिन। एंड ब्रोंकियल अस्थमा में कैसे दिया जाता है एड्रिनलिन? इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ब्रोंकियल अस्थमा में? तो एड्रिनलिन इज गिवन सबक्यूटेनियसली इन ब्रोंकियल अस्थमा। और क्या पूछा जाता है एड्रिनलिन के बारे में? तो एड्रिनलिन का कौन सा प्रोड्रग होता है जिसे यूज करते हैं टॉपिकली इन ग्लूकोमा? एड्रिनलिन के कौन से प्रोड्रग का यूज करते हैं टॉपिकली इन ग्लूकोमा? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये होता है डिपीवेफ्रिन, डिपीवेफ्रिन। ठीक है, ये डिपीवेफ्रिन होता है प्रोड्रग ऑफ एड्रिनलिन। ये पेनेट्रेट करता है कॉर्निया को एंड हाइड्रोलाइज्ड इनटू एड्रिनलिन। ठीक है, ये रिड्यूस कराता है एक्वस फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्कलाइन डायूरेसिस इज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू एट्रोपिन, मॉर्फिन, फिनोबार्बिटोन, एम्फेटामाइन। अल्कलाइन डायूरेसिस इज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू, कौन सी पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं अल्कलाइन डायूरेसिस का? तो इसका यूज करते हैं फिनोबार्बिटोन पॉइजनिंग में, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फिनोबार्बिटोन पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं अल्कलाइन डायूरेसिस का। फिनोबार्बिटोन होता क्या है? तो ये लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्यूरेट होता है ना, ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक होता है। कौन से शेड्यूल में आता है? तो एक्स में आता है। किसकी ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं? तो इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी इन कॉम्बिनेशन विथ फिनिटोइन। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका? तो ये एनहेंस कराता है एक्टिवेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर, एंड ये होता है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडॉन। प्राइमिडॉन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है फिनोबार्बिटोन। एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटीज फिनोबार्बिटोन। इसका यूज करते हैं ग्रैंड माल इपिलेप्सी में एंड साइकोमोटर इपिलेप्सी में, एब्सेंस सीजर्स में इसका यूज नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकोटिनिक एंटागोनिस्ट इज कार्बाकॉल, डेकामिथोनियम, एट्रोपिन, हायोसिन। कौन सा है निकोटिनिक एंटागोनिस्ट? तो ये डेकामिथोनियम होता है ना, ऑप्शन बी निकोटिनिक एंटागोनिस्ट इज डेकामिथोनियम। कार्बाकॉल क्या है? तो ये डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है, मायोटिक होता है। किस में यूज करते हैं इसका? तो इसका यूज करते हैं टू डिक्रीज इंट्राऑक्युलर प्रेशर आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। देन ड्यूरिंग सर्जरी में भी इसका यूज करते हैं टू इंड्यूस मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट शॉर्ट एक्टिंग ड्रग डायग्नोसिस फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस इज यूज्ड इन दी टैक्रीन, इंड्रोफोनियम, डोनेपेजिल, नियोस्टिग्माइन। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था ना, डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस इंड्रोफोनियम, ऑप्शन बी।
ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक इनहिबिटर होता है ना। नियोस्टिग्मिन के बारे में क्या पूछते हैं, तो इसका भी यूज करते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट में। देन द ड्रग दैट इंक्रीजेस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी, तो ये भी होता है नियोस्टिग्मिन, ये होता है इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। टैक्रिन का यूज़ किस में देखा था हमने, तो अल्जाइमर्स डिसीज में यूज़ करते हैं ना इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ एट्रोपिन, कौन सा ऑर्गन होता है एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ एट्रोपिन। गैस्ट्रिक ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर और हार्ट। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ एट्रोपिन, तो हमने एट्रोपिन के बारे में देखा था ना, किस में यूज़ करते हैं इसका, तो इसका यूज़ करते हैं प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेल्ड एनास्थेटिक टू रिड्यूस सिक्रीशंस। एंड द ऑर्गन मोस्ट सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ एट्रोपिन इज सलाइवरी ग्लैंड्स, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रीकर्सर ऑफ थायरोक्सिन इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन इज, कौन सा है प्रीकर्सर थायरोक्सिन इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन का। फिनाइल एलानिन, वैलिन, 309 टायरोसिन, प्रीकर्सर ऑफ थायरोक्सिन इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन। तो हमने बायोकेमिस्ट्री में देखा था ना, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। टायरोसिन के बारे में क्या देखा था उसमें हमने, तो ये नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आता है ना टायरोसिन, एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है। एंड इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन आर सिंथेसाइज फ्रॉम, तो ये होता है टायरोसिन, ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर। प्रीकर्सर ऑफ थायरोक्सिन इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन इज टायरोसिन। देन इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी देखी थी, तो फॉलिंस टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, झैंथोप्रोटिक टेस्ट। देन और क्या पूछा था इस पे, तो मेलानिन इज डिराइव फ्रॉम, मेलानिन जो नेचुरल स्किन पिगमेंट होता है इट इज़ डिराइव फ्रॉम, तो ये भी होता है टायरोसिन अमाइनो एसिड। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देन 309 पे क्या पूछते हैं, तो अमाइनो एसिड विच हैज ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स साइड चेन, ये होता है 309। वैलिन, तो एन अमाइनो एसिड विथ नॉन पोलार साइड चेन होता है वैलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड इज यूज्ड ओरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिसीज, अल्जाइमर्स डिसीज, ग्लूकोमा, ऑल ऑफ दीज। किसकी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं ओरली नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड का, तो इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज, ऑप्शन बी। क्या होता है अल्जाइमर डिसीज में, तो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम हो जाता है। पार्किंसंस डिसीज में क्या होता है, तो इसमें डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज टू ट्रीट ब्रैडीकार्डिया और हार्ट ब्लॉक ड्यूरिंग एनास्थेशिया, एट्रोपिन, इप्राट्रोपियम, प्रोफेनथेलिन, ग्लाइकोपाइरोलेट। किसका यूज करते हैं ड्यूरिंग एनास्थेशिया टू ट्रीट ब्रैडीकार्डिया और हार्ट ब्लॉक, तो इसमें एट्रोपिन यूज करते हैं ना, ऑप्शन ए। इप्राट्रोपियम क्या होता है, तो इसे यूज करते हैं एज ए इनहेलेशन ड्रग इन अस्थमा, शॉर्ट एक्टिंग मस्कारिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है ये, यह होता है ब्रोंको डायलेटर। ग्लाइकोपाइरोलेट पे क्या पूछा जाता है, तो ये होता है पोटेंट एंड रैपिडली एक्टिंग एंटी मस्कारिनिक ड्रग, इसे यूज करते हैं फॉर प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन एंड ड्यूरिंग एनास्थेशिया। ये एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पाज्मोडिक होता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के सिंथेटिक कंपाउंड क्लास में आता है ये। ग्लाइकोपाइरोलेट इज द प्रेफर्ड एंटी मस्कारिनिक ड्रग फॉर यूज बिफोर एंड ड्यूरिंग सर्जरी, बिकॉज ये पोटेंट एंड फास्ट एक्टिंग होता है, देन इट हैज़ नो सेंट्रल एक्शन एंड इट हैज़ एंटी सिक्रेटरी एंड वैगोलाइटिक एक्शंस। देन और क्या पूछा जाता है ग्लाइकोपाइरोलेट पे, तो विच एजेंट इज यूज इन हैवी मेटल पॉइजनिंग एंड ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर्स, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, एजेंट यूज इन हैवी मेटल पॉइजनिंग एंड ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर्स, तो ये भी होता है ग्लाइकोपाइरोलेट। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनाफाइलेक्टिक शॉक द ड्रग ऑफ चॉइस इज, तो अभी ऑप्शन ही मत देखो, कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक, तो किसके बारे में हमने ये देखा था, तो एड्रिनलिन के बारे में देखा था ना, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, कौन सा है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, मायस्थेनिया ग्रेविस, गाउट, ग्यूलेन बैरे सिंड्रोम, एनाफाइलेक्सिस। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर कौन सा होगा, तो ये मायस्थेनिया ग्रेविस होता है, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग इज,
neostigmine, atropine, physostigmine, acetylcholine, drug of choice for organophosphorus poisoning. तो ये हमने एट्रोपिन के बारे में देखा था ना, ऑप्शन बी. ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, डीडीटी पॉइजनिंग, मशरूम पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं एट्रोपिन का. देन एट्रोपिन पॉइजनिंग में किसका यूज़ करते हैं, तो फाइसोस्टिग्माइन का यूज़ करते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, एसिटाइल कोलिन, कार्बाकॉल, पिलोकार्पिन, एट्रोपिन. तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट एट्रोपिन होता है ना, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंटीकोलिनेस्ट्रेज विथ सेंट्रल एक्शन, नियोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन, पाइरिडोस्टिग्माइन, इंड्रोफोनियम. एंटीकोलिनेस्ट्रेज विथ सेंट्रल एक्शन. तो जो फाइसोस्टिग्माइन होता है, इट हैज़ इफेक्ट ऑन CNS. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ये कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर होता है. एट्रोपिन पॉइजनिंग में इसका यूज़ करते हैं. एंटीकोलिनेस्ट्रेज डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्स होता है फाइसोस्टिग्माइन. इसका ग्लूकोमा में यूज करते हैं एज ए मियोटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यूरोट्रांसमीटर विच इज सिंपैथेटिक, कौन सा है सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन. न्यूरोट्रांसमीटर विच इज सिंपैथेटिक, तो सिंपैथेटिक होता है नॉरएड्रेनालिन, ऑप्शन बी. किस में आता है नॉरएड्रेनालिन, तो ये कैटेकोलामाइंस में आता है ना. देन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, तो ये एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से सीक्रेट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. डोपामाइन इज ए अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट, अल्फा एंड बीटा एंटागोनिस्ट, अल्फा एगोनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट. क्या होता है डोपामाइन, तो डोपामाइन होता है डोपामिनर्जिक D1 एंड D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट. अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. देन विच न्यूरोट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट इन पार्किंसंस डिसीज, तो ये भी होता है डोपामाइन. पार्किंसंस में डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है. देन न्यूरोट्रांसमीटर कॉमनली एसोसिएटेड विथ प्लेजर एंड रिवार्ड पाथवेज इन द ब्रेन होता है डोपामाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए नॉन कैटेकोलामाइन, टर्बुटेलिन, फिनिलेफ्रिन, इफेड्रिन, ऑल ऑफ दीज. तो ये सभी होते हैं नॉन कैटेकोलामाइन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. टर्बुटेलिन पे क्या पूछा जाता है, तो विच ड्रग कॉजेस ब्रोंकोडायलेशन विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन, तो ये होता है टर्बुटेलिन. टर्बुटेलिन कॉजेस ब्रोंकोडायलेशन विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन. देन सिलेक्टिव बीटा टू ब्रोंकोडायलेटर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टैटस अस्थमैटिकस कौन सा होता है, तो ये भी होता है टर्बुटेलिन. टर्बुटेलिन का होता है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन. ये सभी टर्बुटेलिन पे पूछे हुए क्वेश्चंस है. फिनिलेफ्रिन क्या है, तो ये सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट होता है फिनिलेफ्रिन. इसका यूज करते हैं टॉपिकली एज ए नेजल डिकंजेस्टेंट. देन माइड्रेटिक डज नॉट प्रोड्यूस साइक्लोप्लेजिया, तो ये भी होता है फिनिलेफ्रिन. फिनिलेफ्रिन डज नॉट प्रोड्यूस साइक्लोप्लेजिया. ये सभी फिनिलेफ्रिन पे पूछे हुए क्वेश्चन है. देन इफेड्रिन का कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, तो ये नर्वसनेस कॉज कराता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है. कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इफेड्रिन इज नर्वसनेस. देन टैकीफाइलेक्सिस इज सीन आफ्टर द यूज ऑफ, तो ये भी होता है इफेड्रिन. टैकीफाइलेक्सिस इज सीन आफ्टर द यूज ऑफ इफेड्रिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइड इफेक्ट्स सीन इन एड्रिनोरिसेप्टर ब्लॉकर्स एक्सेप्ट, रिड्यूस्ड टीयर प्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, मायोपिक शिफ्ट, डिक्रीज्ड कॉर्नियल सेंसेशन. कौन सा नहीं होता साइड इफेक्ट ऑफ एड्रिनोरिसेप्टर ब्लॉकर्स एक्सेप्ट पूछा गया है, तो एड्रिनोरिसेप्टर ब्लॉकर्स मायोपिक शिफ्ट कॉज नहीं कराते, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. बाकी रिड्यूस्ड टीयर प्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, डिक्रीज्ड कॉर्नियल सेंसेशन, ये सभी होते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ एड्रिनोरिसेप्टर ब्लॉकर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्राजोसिन एंड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट इज ए अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर. क्या होता है प्राजोसिन, तो प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैम्सुलोसिन. क्या है ये, तो ये सिलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट होते हैं ना, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होते हैं प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैम्सुलोसिन. देन सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर कौन से होते हैं, सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर्स, तो इसमें आता है योहिम्बिन. ये योहिम्बिन होता है अल्फा 2 एंटागोनिस्ट, अल्फा 2 ब्लॉकर. देन सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट कौन सा होता है, अल्फा 1 एगोनिस्ट, तो ये होता है फिनिलेफ्रिन.
फिनिलेफ्रिन, एंड सिलेक्टिव अल्फा टू एगोनिस्ट तो ये होता है क्लोनिडिन, ठीक है। ये सिलेक्टिव अल्फा वन एगोनिस्ट, अल्फा टू एगोनिस्ट, अल्फा टू एंटागोनिस्ट, अल्फा वन एंटागोनिस्ट, ये सभी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। सिलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर होते हैं प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैम्सुलोसिन। सिलेक्टिव अल्फा टू ब्लॉकर होता है योहिम्बिन। देन सिलेक्टिव अल्फा वन एगोनिस्ट होता है फिनिलेफ्रिन, एंड सिलेक्टिव अल्फा टू एगोनिस्ट होता है क्लोनिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट दी सिंपेथोमाइमेटिक एजेंट विच इज कम्बाइंड विथ ए लोकल एनास्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक। इपिनेफ्रिन, जाइलोमिथाजोलिन, आइसोप्रोटेरेनॉल, डोब्यूटामाइन। इसे कंबाइन करते लोकल एनास्थेटिक के साथ टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्या होता है ये, तो ये इपिनेफ्रिन होता है ना, ऑप्शन ए। देन इपिनेफ्रिन इज ऑल्सो नोन एज एड्रीनलिन। क्यों बोलते हैं इसे एड्रीनलिन? तो ईपी मीन्स अबव एंड नेफ्रिन मीन्स नेफ्रॉन, नेफ्रॉन मीन्स किडनी, एंड एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट अबव द किडनी, सो ईपी नेफ्रिन इज ऑल्सो नोन एज एड्रिनलिन। देन किस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये ईपी नेफ्रिन? तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन इमरजेंसी थेरेपी ऑफ एनाफेलेक्टिक शॉक। देन ईपी नेफ्रिन एंड नॉर ईपी नेफ्रिन आर सिंथेसाइज फ्रॉम टायरोसिन, एंड इसे कंबाइन किया जाता है विथ लोकल एनास्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक। ये इंक्रीज कराता है ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया। कैसे इंक्रीज कराता है ये ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया? तो जब हम लोकल एनास्थेटिक देते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट ब्लड वेसल्स में भी जाता है, एंड जब भी हम लोकल एनास्थेटिक को देते हैं इपिनेफ्रिन के साथ, तो ये इपिनेफ्रिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है, तो ड्रग ब्लड में कम जाएगी एंड नर्वस टिश्यू इसे ज़्यादा अंदर ले पाएगा, एंड इसलिए इपिनेफ्रिन यूज्ड विथ लोकल एनास्थेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेड्रिन इज एड्रिनर्जिक, कोलिनर्जिक, एंटी एड्रिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक्स। क्या होता है इफेड्रिन? तो ये इफेड्रिन होता है एड्रिनर्जिक, ऑप्शन ए। इसका कॉमन साइड इफेक्ट नर्वसनेस होता है ना, एंड टैकीफाइलेक्सिस इज सीन आफ्टर द यूज ऑफ इफेड्रिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोनिडिन इज मेडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर? अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन और बीटा टू। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोनिडिन इज मेडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर? तो अभी हमने डिस्कस किया था ना, क्लोनिडिन किस में आता है, तो ये सिलेक्टिव अल्फा टू एगोनिस्ट होता है ना, सिलेक्टिव अल्फा टू एगोनिस्ट होता है क्लोनिडिन। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है ये, एंड द हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू इट्स एक्शन ऑफ अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोनिडिन इज मेडिएटेड बाय अल्फा टू एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, ये होता है सिलेक्टिव अल्फा टू एगोनिस्ट, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन और क्या पूछा जाता है क्लोनिडिन पे? तो एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दैट कॉजेस सेडेशन। कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉज कराता है सेडेशन? तो ये भी होता है क्लोनिडिन। देन कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोनिडिन, तो ये सेडेशन कॉज कराता है, मेंटल डिप्रेशन कॉज कराता है। देन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज कॉज्ड बाय, तो ये भी होता है क्लोनिडिन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने फार्माकोलॉजी के 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, एंड ये सभी आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।